एश कैचम पायलट टाउन का एक भोला भाला चैंपियन या फिर कहो वर्ल्ड चैंपियन। मुझे क्या हो गया क्रंच, लोग यहाँ पे हेलो दोस्तों सुनने आते हैं और मैं पता नहीं क्या बकवास कर लेता हूँ। चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका बहुत दिनों के बाद एक और नई थेरी वीडियो में। तो इस कमाल के थेरी वीडियो में हम देखेंगे एश और ग्रेंजा के बीच के कुछ संबंधों के बारे में। वैसे तो आपको यूट्यूब पे टन्स ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे इसके बारे में कि एश और ग्रेंजा साथ में सिंक क्यों कर पाते हैं, उनका ऑरा बहुत एक जैसा है, ग्रेंजा के पास एक स्पेशल एबिलिटी है और न जाने क्या क्या। तो मैं आपको क्या अलग दे सकता हूँ, वेल यही तो देखना है। तो इस बॉन्ड को समझाने के लिए चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अब आप एश को इमेजिन कीजिए। क्या आपको एश अपने पोकेमोन्स को ऑर्डर देते हुए दिख रहा है या किसी फाइट में दिख रहा है? इसके काफी कम चांसेस है, बट मोस्ट ऑफ द लोगों को दिख रहा होगा कि एश स्माइल कर रहा है, उसके कंधे पर एक पिकाचू बैठा है। वेल, अगर मैं सही हूँ तो अभी कभी कमेंट में जाओ और कमेंट करो कि मैं सही था। तो अब ऐसा क्यों है? तो इसका जवाब है क्योंकि एश बनाता है रिश्ते अपने पोकेमोन्स के साथ और इन्हीं रिश्तों को हम कहते हैं बॉन्ड्स। एश का यही बेमिसाल भरोसा उसके पोकेमोन्स पे उसे बाकी ट्रेनर्स से अलग बनाता है। बाकी ट्रेनर्स उनके पोकेमोन्स को भले ही पेट की तरह ट्रीट करते हो, बट एश के लिए उसके सारे पोकेमोन्स उसकी फैमिली है। और इसी गहरी दोस्ती और बॉन्ड फॉर्मिंग की वजह से एश उसके सारे पोकेमोन्स को बहुत गहराई से जानता है। तो अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो देखो यार, मेरी थ्योरी के हिसाब से जो बैटल बॉन्ड एबिलिटी है वो ना सिर्फ ग्रेनिंजा की है, बट कि वो एबिलिटी एश एज ए ह्यूमन बीइंग पोजेस करता है। क्योंकि ग्रेनिंजा एक लौता ऐसा पोकेमोन नहीं है जिसका एश के साथ ऐसा अनोखा बॉन्ड है। जर्नीज में हमें मल्टीपल ऐसे पोकेमोन्स दिखाए गए हैं और इवन जर्नीज के पहले भी। ये बैटल बॉन्ड का फिनोमेना अब तक हम 4-5 पोकेमोन्स में देख चुके हैं, जो कि है ग्रेनिंजा, लुकारियो, पीकाचू और यहाँ तक कि सर्फेज भी। और बैटल बॉन्ड एक ऐसी एबिलिटी है जो सिर्फ एश का ग्रेनिंजा पोजेस करता है और दुनिया का बाकी कोई ग्रेनिंजा पोजेस नहीं करता। तो क्या ये सेंस नहीं बनाता कि ये एबिलिटी ग्रेनिंजा की ना होके एश की हो? और एश को ये एबिलिटी इसीलिए मिली है क्योंकि उसे अपने पोकेमोन पर इतना ज्यादा भरोसा है, यार मरने मारने को तैयार होता है अपने पोकेमोन के लिए बंदा। सो या यही थी मेरी थ्योरी। तो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट से जरूर बताना। अल्सो अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर दो। और अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो मैं मिल जाऊंगा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। तो अगली वीडियो में शायद जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। साजा मेरे दोस्त हैं, नहीं थके रुके ना कभी, एडवांस बैटल है चुनौती कड़ी, जमी आसमां और सागर से हार जाएंगे वो कोशिश करके।